अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ एग आलू करी। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़ा चम्मच यहाँ पर ऑयल ले लिया है। सबसे पहला इसमें मैं डालूँगी सारे गरम मसाले, आप अपने हिसाब से जितना चाहे डाल सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इतनी इतनी ली है, सौंफ लिया है, जीरा लिया है, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, और इन सबको थोड़ा सी भून लूँगी ताकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बाहर आ जाए हल्के आँच पर। अभी देखिए ये भून चुका है, 2 मिनट लगे हैं मुझे इससे भूनने में। और अभी मैंने 2 बड़े प्याज पीस लिया है जिसका पेस्ट बना लिया है मैंने, और उसे मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो अच्छे से सोख हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम रखा है फ्रेंड्स, और इसे मुझे भूनना है। कम से कम मुझे इसे भूनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये भून जाएगा अच्छे से, तो फिर बाकी हम इसमें ऐड करते हैं। देखिए देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। इस तरह से भूनना है, अगर हम इसे सही से नहीं भूनेंगे तो इसका कच्चा कच्चा जो प्याज का होता है उससे हमारी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। यहाँ मैंने लिया है 2 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, और अभी इसे भी हमें भूनना है अच्छे से। जो गार्लिक और जिंजर का जो कच्चापन होता है ना वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। 2 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। यहाँ पे मैंने छोड़कर कुछ दूसरा काम नहीं किया है क्योंकि प्याज जो होती है, अदरक लहसुन जो होता है वो जल्दी से लग जाता है नीचे, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, और 1/4 चम्मच हल्दी, और गरम मसाला 1 टीस्पून, चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, आप अपने हिसाब से जैसी आपकी मिर्ची वैसा आप डाल सकते हो। मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है उसका 1 टीस्पून लिया है, और 1 टीस्पून तीखी वाली लिया है। तो 2 टीस्पून मैं हर ग्रेवी में मैं डालती हूँ मेरी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे भूनूंगी कि इसका जो कच्चापन है मसाले का वो निकल जाए और हमारे मसाले अच्छे से भून जाए थोड़ा। और मैंने जो पानी यूज़ किया है ना फ्रेंड्स वो गर्म पानी है, तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल डाल के मैं इसे फास्ट पर भून लूँगी। फ्लेम फास्ट है मेरा, उस पर ही मैं भूनूंगी इसे। तो देखिए मसाला भून चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी टमाटो प्यूरी। 2 टमाटर जो मैंने पीस लिया है उसकी प्यूरी बना ली अच्छे से, अभी उसे मैं भून लूंगी अच्छे से। और जब ये भून जाए देखिए साइड में रख दूंगी मैं इसे भूनकर। और अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एग और आलू जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है उसे मैं इस पैन में थोड़ा शैलो फ्राई कर लूँगी। और उसके पहले मैं 4 से 5 हरी मिर्च इसमें डाल दूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है ये आलू और एग में, तो इसमें मैं इसको थोड़ा भून लूँगी। देखिए शैलो फ्राई जैसा करना है हमें, जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है अच्छे से। मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, हाफ़ बॉईल किए हैं, मतलब हाफ़ से भी थोड़ा सी ज़्यादा है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है नहीं तो ये आलू पूरे टूट जाएंगे। और ये एग है जो मैंने पहले ही बॉईल किया हुआ था, इसे थोड़ी देर तेज़ आँच पर मैं इसे भून लूँगी शैलो फ्राई होने तक। ये प्रोसेस जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, जब हम आलू और एग ग्रेवी में ऐड करते हैं तो ये करके डालने से उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर ऊपर से, तो ये ज़रूर करिएगा आप। देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, फास्ट पे मैंने इसे भुना है। अब इस ग्रेवी में मैं इसे ऐड करूँगी। अब हमारी ग्रेवी रेडी है साइड में, तो ये ऑयल के साथ ही, क्योंकि मैंने पहले ग्रेवी बनाते समय ऑयल थोड़ा कम लिया था, तो वो ऑयल और ये ऑयल दोनों बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल दिया है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए हमारा। और 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, तो इसे मैं थोड़ी देर भूनूंगी तेज आँच पर जब तक कि हमारा दही थोड़ा पक नहीं जाए। और देखिए बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। और आप जितना पानी आपको लगेगा, आप जितना ग्रेवी बनाना है आपको, और आप मेंबर के हिसाब से आप इसको कर सकते हो ज़्यादा कम,
तो मैंने थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड किया है इसमें, और आप उसे ढककर मैं पकाऊंगी अभी 2 मिनट, फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। देखिए अभी आप इसमें जितना आपको पानी लगता है आप ऐड कर सकते हो गर्म पानी। और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।